मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों की स्कूली शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। शासन की योजनाओं और कोशिशों को स्कूल स्तर पर पलीता लगाया जा रहा है। कहीं देर से स्कूल आने पर बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है तो कहीं खुद शिक्षक ही स्कूल देर से आते हैं। जशपुर के बगीचा इलाके में इस कड़कड़ाती ठंड में फुटपाथ पर बैठे ये बच्चे दरअसल इसी रामकृष्ण आश्रम आदिवासी विद्यालय के छात्र हैं। पहाड़ी कोरबाओं के इन बच्चों की गलती बस इतनी थी कि ये लोग सर्दी की छुट्टियों के बाद एक दिन की देरी से स्कूल लौटे थे। इनकी इसी गलती के कारण स्कूल के प्रमुख स्वामी जी ने इन्हें स्कूल से बाहर कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद अब शिक्षा विभाग के अधिकारी ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की है। हम छुट्टियों घर गए थे, घर से लेट हो गया, घर आए, स्कूल से आए और स्वामी जी के पास गए तो स्वामी जी बोला जाओ तो घर चले जाओ, बक्सा पेटी निकालो और चले जाओ। मैंने अपने उच्च अधिकारियों को भी इस संबंध में बताया है और अभी वर्तमान में वहाँ पे मैंने एक समिति का भी गठन किया है जिसमें 5 हमारे पहाड़ी पूर्वा जनजाति के लोग रहेंगे और वहाँ में उसका निरीक्षण करेंगे। ऐसा ही कुछ नजारा अंबिकापुर में भी देखने को मिला जब वहाँ के होली क्रॉस स्कूल में पढ़ने वाले 200 बच्चों को 3 दिन तक क्लास में बैठने नहीं दिया गया। इन बच्चों की भी यही गलती थी कि ये सर्दी की छुट्टियां खत्म होने के कुछ दिन की देरी से स्कूल पहुंचे थे। स्कूल प्रबंधन ने तो सजा के तौर पर 25 रुपए रोज के हिसाब से बच्चों पर जुर्माना भी लगा दिया। मेरी बच्ची बोल रही थी हम लोग 70-72 बच्चे हैं और हम लोगों को बाहर बैठाया जा रहा है और प्लस क्या है, मेरी बच्ची बोल रही थी कि 25-25 रुपया पर डे का जो है ना फाइन लग रहा है। एक बच्चों से दिन का हम 5 रुपया लेते हैं सामान्यतः, लेकिन चूंकि इस बार संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी इसलिए हम उन लोगों को सोचे एक बार सबक सिखाना है या तो सिखाना है, इसलिए हम उनको बोले कि 25 रुपया ले लेते। छत्तीसगढ़ के ये वो मामले थे जिसमें बच्चों ने स्कूल आने में देरी की, लेकिन मध्य प्रदेश में इससे बिल्कुल उलट मामला देखने को मिला। यहाँ के रतलाम जिले के मालिया गांव में शिक्षक को ही अपनी हरकतों के कारण सजा भुगतनी पड़ी। दरअसल गांव के प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ एक शिक्षक के खिलाफ गुटखा खाकर पढ़ाने और देर से स्कूल आने की शिकायत की गई थी। जांच में इस शिकायत को सही पाया गया और उसकी एक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई। गुटखा खाकर बच्चे को पढ़ाते हैं और देरी से आते हैं, स्वाभाविक बात है सर, जिस दिन बीओ साहब आए थे उस दिन में देर से ही आया था, उस दिन में देर से ही आया था। बातचीत होने के बाद जो है हम गए कि मैं आ रहा हूँ वहाँ, तो उसके बावजूद भी वो हमको संस्था में नहीं भी मिले, वो लगभग हमारा अंदाजा कि 1 घंटा विलम्ब भी आए थे और उनका जो सहायक टीचर थे वो भी लगभग 1 अतिथि शिक्षक जो था वो जो है समय पे वो भी नहीं खोल पाया। कहीं छात्रों को देर से आने पर स्कूल से बाहर कर दिया जाता है तो कहीं खुद शिक्षक ही देर से स्कूल आते हैं। दोनों ही तरह के मामले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर को साबित करने के लिए काफी हैं। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो स्कूली शिक्षा की बेहतरी के लिए की जा रही तमाम कोशिशें नाकाफी ही साबित होंगी। समय के लिए जशपुर से राजेश पांडे के साथ अंबिकापुर से ओपी तिवारी और रतलाम से विजय मीणा।